हेलो माय फ्रेंड, आज मैं आप लोग प्ले सिम्प्लेक्स में एड्रेसेबल साउंडर में कौन सा कार्ड यूज होता है, बच्चा में एड्रेसेबल साउंडर कैसे चेक कर सकता है, कैसे कितना एक चैनल में कितना साउंडर कनेक्शन है, वो पैनल से कैसे मालूम पड़ेगा, बोल के इसके बारे में कैसे इनेबल करेगा, कैसे डिसेबल करेगा, कैसे टेस्ट करेगा, इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। यह सिम्प्लेक्स में एड्रेसेबल साउंडर के लिए EPS पावर सप्लाई कार्ड यूज होता है। वो देखो EPS पावर सप्लाई कार्ड दिखा रहा हूँ। यह EPS पावर सप्लाई कार्ड EPS पावर सप्लाई असेंबली कार्ड है। ये कार्ड एड्रेसेबल साउंडर के लिए यूज होता है। चैनल वन चैनल टू। अभी इधर से हम लोग को मालूम नहीं है कितना चैनल वन में कितना साउंडर है, चैनल टू में कितना साउंडर है, कैसे चेक कर सकते हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको। अभी आप देखें ये साउंडर के लिए लुक का देखने के लिए आईडी नेट वन करके लुक का एड्रेस चेक कर सकते हैं। ऐसे ही करके साउंडर का भी चेक कर सकते हैं। देखो एड्रेस वन नेट वन नेट वन इंटर करेगा तो साउंडर का आता है। अभी ये चैनल वन में कितना सर्किट है आप नेक्स्ट करके करके देख सकते हैं, ऐसे करके करके देख सकते हैं, पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। आइए सेम प्रोसेस में चैनल टू का भी देख सकते हैं। एड्रेस वन नेट वन चैनल टू में कितना साउंडर है वो भी देख सकते हैं। देखो चैनल टू का है, देखो सर्किट टू चैनल टू का मतलब सर्किट टू में कितना साउंडर है वो पूरा काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी इसको डिसेबल इनेबल कैसे कर सकता है, करने इनेबल डिसेबल के लिए हम लोग पासवर्ड में जाना चाहिए, मेनो जाने का, एक्सेस लेवल इंटर करने का, अभी वन में दबाने का, 333 पासवर्ड डालने का, ऐसे पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। अभी हम लोग साउंडर वन का डिसेबल करने का है तो एड्रेस करने का, वन दबाने का, नेट वन करने का, नेट वन इंटर करेगा तो ये नॉर्मल मोड में है। अभी इसको डिसेबल करने के लिए अभी सीधा डिसेबल में दबाने का, अभी इंटर करने का, ये डिसेबल हो जाता है, देखिए ये डिसेबल हो गया। अभी इसको इनेबल करने के लिए सीधा इनेबल दबाने का, इंटर करने का, ये इनेबल हो जाएगा, नॉर्मल मोड में आ गया। अभी इसको टेस्ट भी कर सकता है, वो साउंडर बजता है या नहीं बजता है बोल के टेस्ट भी कर सकते है। इसके लिए ऑन ऑम करने का, ऑन ऑम इंटर करेगा ना वो ओनली वही साउंडर बजेगा, दूसरा साउंडर नहीं बजेगा, वही साउंडर टेस्ट कर सकते है। इसके लिए एड्रेसेबल साउंडर बहुत अच्छा है, ये यूज करेगा बहुत अच्छा है। अभी हम लोग इधर साउंड लाइक डिस्टर्ब होगा हो जाएगा, इसलिए वो ऑन नहीं किया, बैक किया। अभी ऐसे ही करके आपके साउंडर का सर्किट डायरेक्ट चेक करने का है तो हम लोग लुक नाइन साइन 19 करके भी देख सकते हैं। 19 इंटर करेगा ना वो पूरा साउंडर का है, देखो साउंडर सर्किट आया, साउंडर सर्किट आया, स्पीकर का आया, पूरा जितना साउंडर स्पीकर एम्पलीफायर पूरा इसमें आ जाता है। ऐसे करके ड्राइव करेगा, ऐसे करके लूप जैसा उसको भी टेस्ट कर सकता है, सेपरेट डिवाइस जैसा सिंगल डिवाइस टेस्ट कर सकता है। साउंडर पूरा सब कुछ इधर से देख सकता है और टेस्ट कर सकता है। और कुछ और ज़्यादा आप लोग जानने के लिए चाह रहा हो तो मेरे YouTube में सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर करने का। ओके थैंक यू।